बात है, मेरे खराब हो ये जो बड़ा आपको दिख रहा है उसके वो तो बारिश का पानी के आने के लिए छोड़ा, लेकिन वो जो छोटे छोटे खेत छोड़े हैं उन्हीं के लिए छोड़ने के लिए। गुरु जी आप मतलब ये दहिसर नदी के लिए कुछ चाहिए? देखिए आज हमने आओ मुंबई और मुंबई की नदियों को जाने, इसके लिए पिछले दो दिनों से जो यात्रा चल रही है विरासत राज्य यात्रा उसके तहत मुंबई मार्च, रिवर मार्च के सब साथी और हमारे सब मुंबई के सामाजिक काम में लगे हुए हमारी बहनें और भाई सब नदियों का जो बुरा हाल है और ये जो नदियों की बीमारी है ये हमारे शरीर में कैसे जाएगी और ये नदियों की बीमारी हमें कैसे बीमार करती है, इस सब विषय को जानने और समझने के लिए दहिसर नदी का मार्च सुबह संजय गांधी नेशनल पार्क से शुरू हुआ और अभी समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान देख के मुझे ये लगता है कि मुंबई और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो ये केवल दीवारें खड़ी करके इस नदी को नाले का रूप दे रही हैं, इसका भविष्य क्या होगा, वो इसके इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और फ्लड के जो फ्लो हैं उन फ्लो को देखकर जिस तरह का प्लानिंग करके काम करना चाहिए वो इस पूरे प्लान में कहीं नज़र नहीं आता, इसलिए ये बड़ा दुखद लग रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है ये सब देख के कि हम ये जो दोनों तरफ नदी की ज़मीन है, नदी की ज़मीन नदी के लिए होती है, नदी की ज़मीन शहरों के बिल्डिंग बनाने या बड़े बड़े शहरों की हॉस्पिटल बनाने और मल्टीपल स्टोरी बनाने के लिए नहीं होती, नदी की ज़मीन नदी के लिए, और नदी की ज़मीन को किसी भी काम के कारण आप बदल नहीं सकते, उसका टाइटल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मुंबई में नदी की ज़मीन के टाइटल चेंज करके उसमें हॉस्पिटल बनाना, उसमें आबादी बनाना, उसमें सारी जो भी कुछ काम किए जा सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दीवार बना लेते हैं और दीवार बना के कहते हैं कि हमारी नदी की ज़मीन केवल दीवार तक है। अरे तुम कौन तय करने वाले हो कि नदी की ज़मीन कहाँ तक है? नदी की ज़मीन अपने आप तय होती है, नदी हर 5 साल में जो उसका फ्लड प्लेन होता है जहाँ तक उसका पानी जाता है वो नदी की ज़मीन होती है, और जो उसका HFL होता है जो 100 साल में एक बार भी जिस पॉइंट तक गई है वो नदी का HFL होता है, वो हाई फ्लड प्लेन होता है, उसको हम रेड जोन कहते हैं, और जहाँ 5 साल में एक बार जाता हो पानी उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं, वो उसका ग्रीन जोन होता है, और नदी में जहाँ पानी बह रहा होता है उसको हम ब्लू जोन कहते हैं। ये जो तीनों तरह के जोन हैं, मुंबई की यात्रा करने के बाद 3 दिन की इस यात्रा के बाद ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी जोन को उन्होंने रिजर्व प्रोटेक्ट करके बचाने का काम नहीं किया, आपको ब्लू जोन में बिल्डिंगें मिल जाएंगी, आपको ग्रीन जोन में बिल्डिंगें मिल जाएंगी, आपको नदियों के रेड जोन में बिल्डिंगें मिल जाएंगी, ऐसा ख़राब मैनेजमेंट मैंने हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं देखा, जैसा अन्याय बम्बई की नदियों के साथ बम्बई के लोगों ने, बम्बई की सरकारों ने किया है, मैं लोग भी कह दूँ लोगों ने भी किया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। यदि बम्बई के लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना है, बम्बई के लोगों को यदि अपने आप को अच्छा रखना है तो सरकारों के इन गलत कामों को रुकवाने के लिए एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा और सरकार को कहना पड़ेगा कि बम्बई हमारी भी है, बम्बई केवल हम वोट दे के तुम्हें सौंप देते हैं ऐसा नहीं है, बम्बई उन लोगों की भी है जो बम्बई में रहते हैं, जो बम्बई को अपना मानते हैं, बम्बई उन सब की है, इसलिए हमारी सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए कि नदियों को नदियां रहने दो, नदियों को नदियां बनकर बहने दो। आज मैं जानता हूं कि मुंबई की नदियों पर जो संकट है उस संकट को मिटाने के लिए कुछ लोग तो इकट्ठे हैं, लेकिन इस संकट को यदि मिटाना है तो फिर सरकारों को भी अपना जुडिशियल सिस्टम और अपना जो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट को देखने वाला सिस्टम है उसको वैसा बनाना पड़ेगा जिससे कि मुंबई की नदियाँ नदी की तरह बहती रहें। मुंबई की नदियों को नाले मत बनाओ, मुंबई की नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी मत बनाओ, मुंबई की नदियों को पानी के स्रोत बने रहने दो। यदि मुंबई की नदियों में पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर यार मैला तो मत ढो उसमें। सर देखिए ये अगर